नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ सामान लाने। कोशिश ये है रहती है कि 6 या 7 दिन में एक बार बाहर जाएं और सिर्फ घर के एक सदस्य जाएं, तो इस केस में मैं बाहर जाता हूँ। और एक छोटे से वीडियो के जरिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या एहतियात मैं बरतता हूँ और इनमें से जितना संभव हो आप भी फॉलो कर सकते हैं। और ये जो भी प्रिकॉशंस हैं, ये जो सरकारें कह रही हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय तरीके से जिन चीज़ों का पालन किया जा रहा है, ये वही सब हैं और सब कुछ बहुत सरल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं बाहर जा रहा हूं, लेकिन मैंने घड़ी नहीं पहना है, मैं वॉलेट नहीं ले रहा हूं। मैंने अपने पैसे एक छोटे से लिफाफे में डाला हुआ है। ये लिफाफा थोड़ा ऐसा हो गया क्योंकि इसे मैं 7-8-10 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूं। पैसे यहीं से देता हूं, यहीं पे रखता हूं और वापस घर पे आके इसे कोने पे रख देता हूं। ये इसे इसके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं होता है। तो ये मेरा पैसा मैंने ले लिया। आँखों को कवर करने के लिए सनग्लासेस, आपके पास कोई चश्मा है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट दैट्स एन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रिकॉशन। ये क्लोथ मास्क है जिसको आके वापस मैं वॉश करूँगा, ये डिस्पोजेबल नहीं है। कई जगहों पे हम पढ़ रहे हैं कि इस वायरस में वो क्षमता है कि आपके बालों में भी शायद रुक जाए फोमाइट बनके। इस पे और अध्ययन हो रहा है, लेकिन छोटी सी सुरक्षा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं रूमाल से अपने बालों को कवर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मुझे लिफ्ट का इस्तेमाल करना है, तो मैं एक टूथपिक ले रहा हूँ ताकि लिफ्ट को मुझे टच ना करना पड़े। एक टूथपिक को मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया, एक जाते वक्त और एक आते वक्त। और ये हैंड सैनिटाइजर मैं रख रहा हूँ जस्ट इन केस अगर ज़रूरत पड़े, एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर। मैं कोशिश ये करूँगा कि जब मैं बाहर हूँ मैं अपने चेहरे को ना छूँ, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तौर पर मैं इसको पॉकेट में रखूँ। और अब तैयार हूँ मैं बाहर जाने के लिए, चलिए। एक पेयर चप्पल बाहर का रखा है जिसे पहन के बाहर जाते हैं, और वो घर के बाहर ही रहता है, वो घर के अंदर नहीं आता है। वापस आ गया मैं, थोड़ा एग्जॉस्टिंग तो है लेकिन जान बचाने के लिए करना तो पड़ेगा। मैं बाहर आया, सामान रखा, कुछ भी टच नहीं किया, मैंने पैर से दरवाजे खोले और अब मैं हैंड वॉश करूंगा। उसके बाद जो वेजिटेबल्स और जो चीजें ग्रोसरी लाया हूं उनको साफ करूंगा। खैर, अब तक तो सब जानते हैं कि 20 सेकंड तक हाथ धोना है। एक तरीका यह है कि आप अपने लेफ्ट हैंड को, अगर आप राइट हैंड ज्यादा यूज करते हैं तो अपने लेफ्ट हैंड को भी यूज करेंगे। ये मैंने ले लिया। अब अच्छे से फोम करेंगे। हैंड वॉश हो गया है, अब मैं अपने फोन और जो लिफाफा पैसे का था वो रख दूंगा यहाँ पे और उसको सैनिटाइज भी कर दूंगा।
वेजिटेबल्स को सोक करूंगा थोड़ी देर के लिए, और इसमें जो है वो जो ग्रॉसरी के सामान हैं उनको वॉश करूंगा। और ये एक्स्ट्रा बेडशीट है हमारे घर के सामने में, थोड़ा सा ये जगह है, ये फ्लैट है जो जिसपे कोई नहीं रहता, तो हम थोड़ा सा इस जगह को यूज़ करेंगे। आपके घर के सामने अगर ऐसा जगह ना हो तो आप अपने बालकनी को यूज़ करें, या फिर अगर छत है तो छत को यूज़ करें। कोई भी जगह जो घर से बाहर हो वो प्रिफरेबली बेटर है, लेकिन अगर बालकनी अंदर है तो यू कैन ऑलवेज यूज द बालकनी, बशर्ते आप कुछ चीज़ को छूइए मत। घर में किसी भी चीज़ को बिना टच किए अगर आप बालकनी पहुँच सकते हैं तो परफेक्ट। ये बेकिंग सोडा है, साइंटिफिकली ये देखा गया है कि अगर आप बेकिंग सोडा में वेजिटेबल्स को सोक करके रखें 10-15 मिनट और फिर उसे अच्छे से रब कर लें, तो नॉर्मली भी उसमें से पेस्टिसाइड्स काफ़ी हद तक निकल जाते हैं। हमको हम सबको मालूम है कि अभी हमारे वेजिटेबल्स में बहुत पेस्टिसाइड्स होते हैं, बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं, तो ये जो स्टेप है वो नॉट जस्ट कोरोना वायरस के सुरक्षा के लिए, बट जनरली भी आपके लाइफ में ये बहुत ही यूजफुल टिप है जो हम सभी को करना चाहिए। और ये बहुत महंगा नहीं है, दिस फॉर एग्जांपल ये जो छोटा सा पैकेट है दिस इज जस्ट फॉर 10 रुपीज, और ये भी मैं पूरा यूज नहीं करूँगा। तो ये मैं ये डाल दिया और अब इसमें मैं वेजिटेबल्स को सोक करूँगा। प्याज को मैंने नहीं डाला है, इनको हम वैसे ही सनड्राई कर लेंगे क्योंकि ये वेट हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। आलू को वी विल वॉश बट नॉट अनियन, अनियन को वी विल जस्ट लेट इट बी आउट फॉर अबाउट 10 से 15 मिनट तक। अब ये सोक होंगे तब तक मैं बाकी के जो ग्रॉसरी के जो सामान है, जो बाकी का सामान मैं लाया हूँ उनको वॉश कर लूंगा। इसमें मैंने डिटर्जेंट पाउडर मिला लिया, और अब इसमें से मैं सामान निकाल के इसमें वॉश करूंगा, वॉश करके पीछे रखूंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि आप वॉश नहीं कर सकते हैं, उन्हें आप आपके घर पे अगर डिसइंफेक्टेंट है या सैनिटाइजर है तो एक टिश्यू में सैनिटाइजर रख के टिश्यू पेपर से उसे अच्छे से पोंछ सकते हैं, वो एक सेकेंड ऑल्टरनेटिव है। बट साबुन पानी से धोना सबसे किफ़ायती भी है। वो सारी जो ग्रॉसरी जो मैं वॉश कर रहा था उसमें तकरीबन 10 मिनट लगे हैं, 10 मिनट से मेरी सब्जियां सोक हुई पड़ी हैं। प्रिफरेबली अगर ये 10 से 15 मिनट हों तो सबसे अच्छा है। आप अगर इस बीच 5 मिनट रिलैक्स कर लें और 15 मिनट तक जब ये सोक हो जाए तब इसे अब हम वॉश करेंगे, वॉश करके बाहर रखेंगे। और अब मैं पानी यहाँ पर ये और लाऊंगा और इसे एक और बार धोऊंगा जस्ट टू वॉश ऑफ की कोई भी अगर सोडा का एलिमेंट इसमें रह गया हो। थोड़ी थकान तो हो जाती है बट अब जीने के लिए करना तो पड़ेगा ना। तो ये वेजिटेबल वॉशिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ये है मेरे वीडियो, टोटल 8 किलो सब्जी थी यहाँ पे, जिसे करने में मुझे तकरीबन 10 मिनट लगा है, 10 से 12 मिनट मुझे वो ग्रॉसरी वॉश करने में लगे हैं, तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 20-25 मिनट हो गए हमें इस काम को करते हुए। अब ये बच गया था, इसको मैं सोक करने के लिए रखूंगा
और अनियन बच गए थे। अनियन को मैं नहीं वॉश कर रहा हूँ, अनियन को जस्ट सन ड्राई कर रहा हूँ और ये यहीं पे रहेगा अगले 24 घंटे तक। काम कंप्लीट हो गया है, अब जो है मैं इन्हें सनड्राई हो रहे हैं। ये एक छोटे सी चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो हरी सब्जियां हैं उन्हें धोने से उनमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है। तो जो हरी सब्जियां हैं, जैसे मेरे केस में ये वाली जो है सब्जी, इसे हम आज ही बना लेंगे और आज या कल में ही इसे खा लेंगे ताकि सब्जियाँ ख़राब ना हो। देखिए ये बहुत लंबा सफ़र है, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन ओपन हो जाएगा और ज़िंदगी सामान्य हो जाएगी। विश्व में जब भी इस तरह की महामारी आई है, काफ़ी वक्त लगा है उसे जाने में, परहैप्स साल डेढ़ साल तो लग ही जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे नुस्खे हैं, थोड़ा वक्त लग रहा है, थोड़ा मेहनत लग रहा है, लेकिन ये आर्थिक रूप से बहुत आपके ऊपर दबाव नहीं है। मैंने सिर्फ 2-3 रुपये का शायद बेकिंग सोडा यूज़ किया और शायद थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर यूज़ किया। मेहनत ज़रूर है, लेकिन सब आप कहीं भी रहते हैं, किसी भी अवस्था में रहते हैं, आप ये थोड़ी सी एहतियात बरत सकते हैं, क्योंकि अगर जान है तभी तो जान है। अब मैं सीधा वॉशरूम बाथरूम जा रहा हूँ। उनमें से कुछ भी आप देख रहे हो, जब से मैं ये कर रहा हूँ मैंने किसी को भी उतारा नहीं है, तो मैं जो भी चीज़ पहना हुआ हूँ सब कुछ वॉश होगा और सब कुछ वॉश करके मैं पूरा नहा के तब बाहर आऊँगा। इनमें से किसी भी चीज़ को आप घर के किसी भी जगह पे ना रखें, सीधा बाथरूम ले जाएं और उसे अच्छा से साबुन पानी से धोएं। मैं इसे नीचे नहीं रखूँगा क्योंकि कोई अनक्लीन सरफेस पे रखना ठीक नहीं है, तो इसे अपने पास रखिएगा। और अब फटाफट सब्जियों को इसके अंदर, अब ये सुरक्षित है। तैयार है जाने के लिए अंदर। एक छोटी सी चीज जो आपने गौर किया होगा कि हमने यहाँ पे कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया। इस कोरोना वायरस से संबंधित जो भी अनुसंधान हो रहे हैं, जो भी रिसर्च हो रहे हैं, उसमें ये पाया गया है कि प्लास्टिक पे शायद ये वायरस काफी समय तक रह सकता है। 1 मिनट की अगर वायरस की बात हटा भी दें तो भी प्लास्टिक हमारे प्लैनेट के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो आप जब भी सब्जियां लेने जाएं, अपनी थैली लेके जाएं। अब जब चूंकि आपको सब चीज़ धोना ही है, तो आप प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब आप उसे लेके आते हैं तो वो एक रिस्क फैक्टर आपके साथ आ जाता है। तो आप इसमें सिर्फ ना तो एनवायरनमेंट का ख्याल कर रहे हैं, बल्कि अपना भी, अपने आप को भी सुरक्षित कर रहे हैं। इसलिए प्लास्टिक को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, जैसे कि हम लोगों ने भी नहीं किया। अब जो चीज़ें पैक्ड आएंगी प्लास्टिक उसमें होंगी, वो हमारे लिमिट से बाहर है, वो पैकेजिंग इंडस्ट्री का एक पूरा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम जो चीज़ कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस। अब मैं धीरे धीरे ये ग्रॉसरी के सामान भी अंदर कर लूँगा। कुल मिला के आप मान के चलिए कि तकरीबन आधा घंटा वक्त आपको इसमें देना पड़ेगा। अगर आप सब्जी और ग्रॉसरीज तो आप रोज़ नहीं लाते हैं, अगर सब्जी अगर आप हर दूसरे तीसरे दिन लाते हैं, तो आपको ये थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन अभी लेना पड़ेगा। आगे भी अगर आप लेते रहें तो बहुत अच्छा है। मैं ये बात गौर से बता दूं कि कोई भी रिसर्च में ये अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि बेकिंग सोडा से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। बट बेकिंग सोडा एक डिसइंफेक्टेंट है, उससे पेस्टिसाइड्स निकल जाते हैं, सर्फेसिस पे जो भी गंदगी थी वो निकल जाते हैं, तो वो एक सुरक्षा कवच है। ऐसा नहीं है कि आपके रिस्क बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं। अभी किसी भी वैज्ञानिक के पास इस बीमारी का कोई जवाब नहीं है, सटीक जवाब नहीं है। तो इस केस में हम कम से कम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हमें कुछ हद तक सुरक्षित करें, और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल उसी दिशा में एक स्टेप है। तो साबुन पानी का इस्तेमाल बाकी चीज़ों के लिए करें, लेकिन फल और सब्जियों के लिए ना करें। जैसे कि हम बता रहे थे, बेकिंग सोडा एक तरीका है, आप उसमें डुबो के रख सकते हैं। तो बस इतनी सी है कहानी, थोड़ी सी मेहनत, लेकिन सुरक्षा का सबसे ज़्यादा अभी ध्यान रखना है। चलिए, नमस्कार।